नबिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। हमें खिताब, चूंकि मर्द किसी की बच्ची को लेके आता है ना, लड़का किसी की बच्ची को लेके आता है, और अपने वो बच्ची मां छोड़ती, बाप छोड़ती है, भाई छोड़ती है, बहनें छोड़ती है, सहेलियां छोड़ती है, सबको छोड़ती है, और तीसरे दिन उसको ताने शुरू हो जाते हैं, इसका तो दिल ही नहीं लगता। और पहले दिन अपनी बीवी को नसीहत दी जा रही थी, मेरी मां की खिदमत करनी है, मेरी करना कर, मेरी मां की करनी है, मेरे अब्बा की करनी, मेरी बहनों की करनी, किसी के सामने तुमने बोलना नहीं, किसी के सामने उफ नहीं करना, बेवकूफ उससे मोहब्बत तो जिता, फिर उसके बाद जो कुछ कहेगा वो करेगा। पहले दिन ही हुक्म, ना ताल्लुक बना है, ना मोहब्बत पैदा हुई है, और ना अभी जोड़ बैठा है, और पहले दिन हुक्म सुनाने शुरू कर दी। उसके जिम्मे ना तेरी मां की खिदमत है, ना तेरे बाप की खिदमत है, ना तेरी बहनों की खिदमत, ये सारी खिदमत तो तेरे जिम्मे है। हमारा ससुराल का मुआशरा बड़ा जालिम है, लाखों में कोई एक घर बचा हुआ तो अलग बात है, वरना मैं तो दुनिया फिरी है, क्या दुनियादार क्या दीनदार, सब जुल्म ही जुल्म है। इतनी नेक औरतें तहज्जुद गुजार, मुसल्ला से उठती नहीं, तस्बीह हाथ में है, लेकिन जब वो सास बनती हैं तो ऐसा जुल्म उनके अंदर से निकलता है कि कांप उठते हैं दरो दीवार। जब औरत मां होती है तो उसके रूए रूए से मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं, वही औरत जब सास बनती है तो एकदम जुल्म की तस्वीर बन जाती, उसे अपनी बहू में कोई खूबी नजर ही नहीं आती, ऐब ही ऐब नजर आते हैं, अपने बेटे को भड़काती रहती है, भड़काती रहती है, ये करती है, ये करती है, और ऐसे बेवकूफ हैं, कोई मां की वजह से बीवियों को तबाह कर देते हैं, कोई बीवियों की वजह से माओं को तबाह कर देते हैं, ये दोनों जुल्म हैं। मां की वजह से बीवी पे ज्यादती ना करो, बीवी की वजह से मां पे ज्यादती ना करो, बीवी का अपना मकाम है, मां बाप का अपना मकाम है, बहनों का अपना मकाम है। 100% शिकायत झूठी होती है, सब झूठ होता है, इसलिए मेरे रब ने दुस्सूर बताया, इन जाअकुम फासिकुन बिनबअ फतबय्यनु, जब किसी की खबर सुनो, कोई कमी कोताही सुनो, अव्वल तो सुनो नहीं, अगर सुननी पड़ जाए तो तहकीक कर लो, तहकीक कर लो। काजी अयास के पास आए, एक शख्स आया रोता हुआ, हाय मर गया, हाय मर गया, तो उनके साथ एक आदमी बैठे थे, कहने लगे हजरत इसका कजिया जल्दी से सुन लें, बेचारा बड़ा मजलूम लगता है। कहने लगे चुप कर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी रात को रोते हुए बाप के पास आए थे, हर रोने वाला मजलूम नहीं होता, हर रोने वाला मजलूम नहीं होता। अपने घरों की फिजा बनाओ, कमी सुनो ही नहीं, तुम्हारी बीवी मां की कमी बताने लगे, कहा ना मुझे ना बताओ, तेरी बड़ी मेहरबानी, तुम्हारी मां तुम्हारी बीवी की कमी बताने लगे, कहा अम्मा मुझे ना बताओ, तेरी बड़ी मेहरबानी। घर की फिजा ऐसी बनाओ कि किसी की कमी का तस्करा ना हो, तो अल्लाह की कसम तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। ये मुआशरत का दीन बता रहा हूं, मुआशरत का दीन। अपनी बीवी की खूबियों की तारीफ करो, कमियों पे पर्दा डालो। बीवियों के जिम्मे है खामिद की खूबियों की तारीफ करें, इंसान हौसला अफजाई का मोहताज होता है। एक बुजुर्ग है अपने किसी मुरीद के घर, तो वहां उन्होंने खाना खाया, खाना उनको पसंद आया, कहने लगे अपनी बेगम को पर्दे में बुलाओ। तो उन्होंने अपनी बेगम को पर्दे में बुलाया, कहा बेटी मैंने तेरा हाथ का खाना खाया, बहुत मजेदार था, अल्लाह तुम्हें जजाय खैर दे, तुमने बहुत अच्छा पकाया। तो वो जारो कतार रोने लगी, तो उन्होंने पूछा बेटी क्या हुआ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। कह नहीं हजरत, आपकी बात पे रोना नहीं आया, रोना इस पर आया है कि 30 साल से मैं इस शख्स के साथ रह रही हूं, कभी एक दफा इसने मेरे हाथ के पके की तारीफ नहीं की।
आप घर में तशरीफ लाए, आपने पूछा कोई खाने को कुछ है? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर, का या रसूल अल्लाह आज तो कुछ नहीं, सिरका है। का वाह 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 वाह, निअमल इदाम अल खल, सिरका तो बहुत अच्छा सालन है। सुभान अल्लाह, कैसे दिलजोई फरमाई अपनी बेगम की, सिरका तो बहुत अच्छा सालन है। या तूने यहां नमक कम डाल दिया, तूने मिर्ची ज्यादा कर दी। हम रायवंड में पढ़ते थे ना, तो पकाना हमारे जिम्मे होता था, तो हमें पता कि पकाते हुए क्या गुजरती। जब 2000 आदमी की रोटी हम पकाते थे, 5-5 बोरी आटा गूंदा है हाथों से, और 10-10 मन खड़े होकर रोटी लगाई है। सख्त सर्दी में भी, सख्त गर्मी में। सर्दी में जब रात को आटा गूंदते थे हम, तो हमारे हाथ ऐसे अकड़, तुम तो सर्दी देखते ही नहीं हो, हाथ ऐसे अकड़ जाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के रोटी पकाना शुरू करते थे, 2000 आदमी की रोटी पकानी होती थी। तो अब कोई आकर कहे तो उन्हें कच्ची रोटी पकाई, तो जी दादा एक थप्पड़ इसके मुंह पे मारे कि 4 बजे के हम उठे हुए हैं, पका पका बुरा हशर हो गया, कहते कच्ची पकाई। भाई सबर करके चुप करके खा जा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अपने मुरीद के घर गए, तो उसने खीर बनाकर पेश की। अच्छा, नमक और चीनी एक जैसे होते हैं, वो देहाती औरत समझ ना सकी, चीनी के बजाय नमक डाल दिया। तो उन्होंने जा सबसे पहले मौलाना इलियास साहब के सामने खीर रखी, तो आपने जो चखी तो वो तो थी कड़वी। कहने के भाई वाह 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 वाह, बड़ी मजे की खीर, सारी लिया मैं अकेला खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। सारी खीर खा गए उस पर पर्दा डालने के लिए। वो तो जब उस उन्हें कहा मौलाना इलियास का बचा हुआ थोड़ा सा, मैं जब चखा तो कड़वा था, हाय मर गई, ये तो सारा नमक डाला हुआ था। एक तो हमारी जमात चिन्योट में थी, तो हमारे साथियों ने चाय बनाई, तो वो अंधेरा सा था, तो चीनी के बजाय ना नमक डाल दिया। अब दस्तरखान पे ले आए, सब पी रहे, वल्लाह मैं आंखों से देखा बता रहा हूं, मौलाना इलियास का तो सुना बता रहा हूं, किसी एक ने नहीं कहा कि ये कड़वी है, चुप करके पी रहे, चुप करके पी रहे, किसी एक ने नहीं कहा। बाहर एक देहाती खड़ा था, तो मैंने उसे कहा चाचा आते नु चाह पीवामा, वो आ गया, उसने पहला घूंट भरा, ओए था कौड़ी ए, उसने बांडा फोड़ दिया। फिर सारे साथी हंस पड़े कि चाचा हमने तो पर्दा डालने की कोशिश की थी खिदमत वालों पर तू नहीं पर्दा चाक कर दिया, भांडा फोड़ दिया। क्या खूबसूरत तरबियत। 8 साल हमने देगें पकाई हैं और रोटियां पकाई हैं रामायण में पढ़ते हुए, तो पकाने वाला कितना खपता है। मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग थे, बड़े नफीस, तो वो रोटी बड़ी नफीस खाते थे। तो उनके लिए मुझे फरमाया उसने रोटी तू बना। अब मैं डर रहा था कि पता नहीं मुफ्ती साहब को पसंद ना आई तो क्या बनेगा। हौसला अफजाई कितनी जरूरी चीज। अब वो मैं रोटी नाश्ते में लाके रखी, और अल्लाह का फजल, अब तो खैर भूल भुलैया हो गया, वरना बहुत नफीस रोटी में बनाता था। एक दफा मैं घर में था, तो रमजान का महीना था, तो किसी की आंख नहीं खुली, गर्मियों का रमजान, तो मेरी आंख खुल गई, तो सब सोए पड़े, नौकर भी घर वाले भी, तो मैंने किसी को नहीं उठाया, चुप करके जाके परात उठाई और रोटियां पकानी शुरू कर दी। जब सारी रोटियां पक गईं, आखिरी पेड़ा मेरे हाथ में था, तो मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई, उसने देखा तो मैं रोटियां पका रहा, को तेरा भला हो जावे, एक ही कीता। मैं कहा रोज तुम पकाती हो, आज मैं पका के दे रहा हूं, इसमें क्या है। तो मैंने रोटी पेश की ना, तो मुफ्ती साहब ने एक दो लुक में खाए, तो मैं उखड़ा से कांप रहा, पता नहीं अब क्या होता, किसने पकाई है। मैंने कहा जी मैंने पकाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी पकाई। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, हौसला अफजाई करना, बुराइयों को। हमारी मुआशरत क्या है,
100 खूबियों में से एक कमी को निकाल के पकड़ लेना और 100 पे काटा। 100 नजर नहीं आती, एक कमी को पकड़ के उसे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे उछाल रहे। ये घर का दीन है, घर का दीन है, ये घर की मुआशरत है कि एक दूसरे की हौसला अफजाई हो, उससे दिल बढ़ता है, दिल बड़ा होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी उम्र की हैं, तो आप जिहाद से वापस आ रहे हैं, जिहाद से, तो आपने सहाबा से कहा आगे चले जाओ सारे, सब आगे चले गए और नजरों से गायब हो गए। तो अब खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओ, दौड़ लगाए। तो हज़रत आयशा ने कहा लगाऊंगी, सुभान अल्लाह, सारे आलम का हादी तुम्हें घर की जिंदगी बता रहा है कि घर में जिंदगी कैसी होती। ये मौलवी साहब चाहते हैं फतवे से घर चलाऊं, फतवे से थोड़ा ही चलता है, वो तो मोहब्बत से चलता है। तो फरमाना का हमने दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई, अल्लाह के नबी पीछे रह गए। फिर कुछ अरसा गुजरा तो आप एक जहाज से वापस आ रहे थे, आपने सहाबा से कहा तुम सब आगे चले जाओ, सब आगे चले गए, नजरों से ओझल हो गए, गायब हो गए। तो फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाओगी, काजी लगाऊंगी। फिर हमने दौड़ लगाई तो फरमाने लगे उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी, तो अल्लाह के नबी मुझसे आगे निकल गए। तो आपने कहा हादी ही बितिल का, अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया, पहले तू जीत गई थी आज मैं जीत गया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लुक में बना के खिलाते थे, बड़ी बड़ी बोटियां खाने का रिवाज था अरबों में, बड़ी बड़ी बोटियां बनाते थे, छोटी छोटी बोटनी होती थी। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मसलन बोटी उठाई, कभी कभी घर में महीने में एक आध दफा गोश्त बनता था, तो आप बोटी उठाकर ऐसे खाती नोचती, तो सारी तो एकदम खाई नहीं जाती तो रख देती थी। तो अल्लाह का नबी वही बोटी उठाते थे और हज़रत आयशा को दिखाकर जहां से उन्होंने खाया होता था वहां से खाते थे। माशा रज़ी पानी का प्याला उठाती और पीती, वो प्याले भी बड़े होते थे, ऐसे छोटे गिलास नहीं होते थे, तो वो पीती तो जब रख देती तो अल्लाह का नबी प्याला उठाते, जहां लग अम्मा आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ लगा के पानी दिखा के ये करते थे। ये बता रहे हैं इजहार मोहब्बत रिश्तों में बहुत जरूरी है, इजहार जरूरी, भाई को बताओ मैं तेरा भाई हूं, उसके सामने इजहार मोहब्बत जरूरी है, बीवी से इजहार मोहब्बत जरूरी है, बीवी का खाविंद से इजहार जरूरी है, मां बाप से इजहार जरूरी है। ये सारे वो रिश्ते हैं जिनको मेरे नबी